أشهد أن لا إله. सुबह के 9 बजे हैं. अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है. वालेकुम अस्सलाम. इस महीने का भी इंतजार खत्म. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. सब खैरियत तो है ना वहां पे? हमें उम्मीद है आप हमेशा की तरह हमारा खत बड़ी बेसब्री से पढ़ रही होगी. आपकी आंखों में वो इंतजार जो कि हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे खत के लिए होता है, ये बात हमें बहुत सुकून देती है. पता नहीं हम ये अल्फाज आपको खुद आकर कब सुना पाएंगे. आपके और हमारे दरमियान बहुत दूरियां हैं, पर फिलहाल आपकी जुल्फे हमारे दरमियान आ रही, जरा उन्हें हटा दोगे? बेहतर है. जब भी मुझे यहाँ गीली मिट्टी की खुशबू आती है तो मेरे आंखों के सामने वहां की बारिश का मंजर खड़ा हो जाता है. भले ही हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, पर ये बात सोचकर खुश हो जाता हूं कि हम दोनों एक ही आसमान बांटते हैं. आज हमें अलग हुए 5 साल हो चुके हैं. तुम यहां नहीं हो पर हर जगह मौजूद हो. तुम्हारी आवाज मेरे कानों में हवाओं की तरह गुजरती है. कहते हैं ना, दूरियां नजदीकियां बढ़ाती है. शायद एक खत ही हमारे नजदीकियां, शायद एक खत ही खुशी का जरिया बना हुआ है जो कि महीने में एक बार आता है. एक बात कहो, कितना अजीब है ये कि मैं तन्हाइयों से घिरा हुआ हूं पर इस अंधेरे राहों में सिर्फ तुम्हारा खत मुझे जीने की उम्मीद देता है. तुम्हारी याद में हिंदुस्तान.